दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 को लेके। ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं और काफी अहम प्लेयर हैं, यहां तक कि ऑक्शन के टेबल पे भी ऋषभ पंत हमें दिखाई दिए थे। खबर ये निकल के आ रही कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल छोड़ के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे। बता दूं मैं आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मान के चल रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये साल लास्ट होगा, इस साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लेंगे। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ऋषभ पंत से बेस्ट विकल्प कोई नहीं मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ऋषभ पंत आके इस टीम की कमान संभाले और चेन्नई सुपर किंग्स को और बुलंदियों पर पहुंचाए। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ का कहना यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ही हमारे टीम के सब कुछ हैं, सारे फैसले वगैरह सब कुछ वही लेते हैं। तो ऐसे में बड़ा झटका माना जाएगा जब संन्यास लेंगे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन उससे पहले कप्तान के विकल्प के लिए वो अपने सारे ऑप्शन रखना चाहते हैं जिनको की आने वाले टाइम में कप्तान बना सके वो चेन्नई सुपर किंग्स का। कप्तानी को लेके ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम चल रहा है, लेकिन अगर ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे तो ऋषभ पंत से बेस्ट विकल्प कोई नहीं मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। तो बहरहाल अभी ट्रेड की विंडो खुली हुई है, कोई भी प्लेयर चाहे तो किसी भी टीम में जा सकता है। तो उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही है कि फरवरी महीने में ऋषभ पंत हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स छोड़ के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि अगर 2024 में ये ट्रेड नहीं होती है तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे और दिल्ली कैपिटल्स कोई न कोई अपना नया कप्तान बनाएगी।